hold on, hold on, hold on. मैम सुनो सुनो वेट वेट आज किस तरीके की पार्टी चल रही है, किस तरीके का दिमाग में ये फिट्स अप ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो इनका ये वेंचर है फिटनेस पूरी टीम को ही लेकर चलते हैं. पहली बार ये इंडिया में हो रहा है एंड I really want to congratulate them because बहुत अच्छा initiative है ये कि you are doing something so good in India and many more to come. और I really hope कि next time ये लोग जहाँ पे भी जाएंगे I will also join them. I eat good and I try and do yoga whenever I get time for the shoot. I can't. I'm not a gym person but I love yoga and functional training. किसमें? I think summer में fit रखना easy है because आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, आप liquid ज़्यादा पीते हैं, you know, you feel like having juices or chas or fruits. So summers में fit रखना खुद को ज़्यादा easy है. Not that मुंबई में कोई बहुत ज़्यादा winters होती हैं. सिर्फ मैं आई एम नॉट अ फूडी एक्चुअली, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी बैटल तो वहीं पे हो जाता है. आई एम नॉट अ फूडी सो यस एंड आई एम अ वेजिटेरियन. वेजिटेरियन बनिए आप, हमेशा फिट रहेंगे. थैंक यू. कीप फॉलोइंग दिस. फिट्स अप इज जस्ट अमेजिंग एंड दे आर डूइंग सो वेल. जस्ट कीप फॉलोइंग दैम एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. कौन सी टीम से एसोसिएटेड? कौन सा है? आईपीएल में चलेगा? फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड है मेरे. बॉम्बे की टीम, बॉम्बे की, मुंबई की टीम से. बेसिकली इट्स आई मीन फिट्स अप, जैसा कि नाम सजेस्ट कर ही देता है कि इट्स अबाउट फिटनेस और हम लोग डांस एसोसिएटेड है. ये हर टाइप के फिटनेस से एसोसिएशन है बेसिकली, तो हम लोग डांस फिटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं आई थिंक. सो देसी हॉपर्स इज बेसिकली एसोसिएट हो रहा है फिट्स अप के साथ क्योंकि डांस इज अबाउट फिटनेस इज वेल, क्योंकि आप डांस करोगे तो सारे पतले हो जाओगे. हाँ, एंड फिटनेस में फिटनेस में से बॉडी बिल्डिंग नहीं आती, इट्स बेसिकली कवर्स एवरीथिंग. आपका स्ट्रेंथ हो गया, आपका एंड्योरेंस हो गया, आपका स्टैमिना हो गया, एंड वो सब चीज़ें में हम उतना ही ध्यान देते हैं जितना नॉर्मल पर्सन ध्यान देते हैं. एट द सेम टाइम वी डांस, सो इट एक एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट हमें मिलते हैं. यस यस. मुझे तो गर्मी बहुत पसंद है. कैसे कैरी करते हैं वो, अगर दिमाग से अगर आप सोच लेते हो कुछ करने का तो फिर वो हो ही जाता है. फिर वो आपको विंटर भी नहीं, आप जैसे विंटर में बोलोगे कि हमने स्वेटर पहना है, इसका मतलब हम लोग इतना मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड है ना. वो गर्मी रहनी चाहिए. हाँ, गर्मी नहीं है तो फिर चाहे अंदर की हो बाहर की. विंटर में आप बोलोगे सुबह आँख नहीं खुलती है, रजाई के अंदर ज़्यादा देर तक स्पेंड करने का मन करता है टाइम. सो ऑब्वियसली वो बहाना तो बहाना ही रहेगा चाहे कोई भी सीजन दे दो आपको. बट एंड्योरेंस का मतलब है कि गर्मी सर्दी जैसा भी हो, फिटनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आप हर चीज को अच्छे से झेलो एंड हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो. यस बोल. तुम कितनी फिट हो यार, क्या माइक पकड़ रही हो, वाओ ऑसम, क्या बात है, बोलो. फिटनेस में हम लोग जिस जो चीज़ें ज़्यादा करते हैं वो है स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं, हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो सारे स्टैमिना बिल्डिंग तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ता है बिकॉज कभी कभार 2 से 8 मिनट, कभी 90 सेकेंड में भी 8 मिनट की एनर्जी लग जाती है. तो सो बेसिकली जो भी ये लोग करते हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी सारे लड़के आप देख रहे हैं 12 घंटे नॉनस्टॉप डांस कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो रिहर्सल चलती है वो 12 घंटे नॉनस्टॉप सिर्फ लंच या डिनर जो होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस करने आएंगे. नहीं, आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्लीज कम. द पॉइंट इज कि वो 12 घंटे डांस करना नॉनस्टॉप मींस कि वो फिट रहना है, दैट इज व्हाट वी डू.
I'm really looking forward to the food that we're going to eat. No. Fitness hai, and I'm actually going back after a long time for this trip. So I'm really excited, even though it's in India, but I'm really, really excited. Pushkar mein kabhi nahi gayi hu. And jo bhi in logon ne itinerary banayi hai aur jo bhi hum karne wale hai, seems really exciting. Obviously tiring is at the same time, but bahut maza aane wala hai. मैं यही कहना चाहूँगी मतलब तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू पुष्कर एंड इट्स वन ऑफ माय लाइक ड्रीम सिटीज़ में था सो आई एम वेरी एक्साइटेड आल्सो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ हाइकिंग वी आर गोइंग टू गो टू टेंपल्स एंड देन एट द सेम टाइम वर्कआउट है एवरी डे का जो रूटीन बनाया गया है बहुत वो सब ध्यान में रख के बनाया गया है कि सुबह को हम कहीं जा रहे हैं शाम को कहीं और जा रहे हैं सो इट्स गोइंग टू बी फन देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन लाइक 4 डेज वेल मैं पूरा दिन शूट कीजिए या वापस आइए कॉफ़ी पिए और फिर रात को 1 बजे जिम जाइए तो मैं बेसिकली 24/7 वाला जिम मैंने ज्वाइन किया है बिकॉज फॉर एक्टर्स आई थिंक इट्स दैट्स द ईजिएस्ट थिंग एंड शूटिंग के बाद जाना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड 9 बजे की शिफ्ट से पहले 7 बजे उठ के जाओ वर्कआउट करने दैट्स आल्सो अ मिथ दैट यू हैव टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग या या सो आई कांट डू दैट सो आई एम वेरी नाइट पर्सन तो मैं रात को वर्कआउट करने जाती हूँ एंड माई फिटनेस मंत्रा इज कि दिन में अगर आप आधा घंटा भी निकाल के कोई भी टाइप की एक्सरसाइज या सिर्फ वॉक या कुछ भी कर लो आई थिंक यू नो यू कैन स्टे फिट ऑल योर लाइफ एब्सोल्युटली सेम थिंग आई वॉन्ट टू से कि आप चाहे जो भी करो आपको फिट रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट यू कैन कट डाउन ऑन योर कार्ब इनटेक और मतलब जो ज़्यादा खा रहे हो उसको पोर्शन कम कर सकते हो और उसके बाद हाफ एन आवर वॉक पे जा सकते हो सो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या सूट करता है या एनी थिंग वेल क्या कह सकते हैं आई मीन इट्स रियली रियली सैड बिकॉज देर हैव बिन अ लॉट ऑफ अदर इंसिडेंसेस जिसके लिए यू नो लोग एक्चुअली खुलेआम घूमते हैं एंड इनको पकड़ लिया गया है बिकॉज आई ओनली थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज यू नो ही इज देयर एंड मतलब इतने नोन है कि यू नो सबकी आंखों में आते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा इसलिए ये हुआ है बट मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए बिकॉज एक तो इतनी पुरानी ये बात है एंड आई गेस वट एवर हैपन्स आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू बी इन सपोर्ट ऑफ हिम ऑलवेज सेम आई रियली लाइक हिम अ लॉट I don't know him as a person, but whatever we have seen of him, whatever I have seen of him, I am very fond of him. And like she said, ki it's a very old thing. And there are things jo he's itni done so much after that. Which like he does know? A lot of charity. Yeah, he's a good person. And more than that, ki itni sari jo cheeze hoti hai everyday life mein, aap wo cheezo ko nazarandaz karke, you want to put someone behind the bars, someone who has done something 20 years back, who is apologetic about the fact ki unhone wo kiya hai. So I think it's wrong. आई विल ऑब्वियसली नॉट से कानून ने गलत किया है बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो 5 साल था वो ऑब्वियसली कट डाउन होके कुछ कम हो सकता था एंड बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ है सिर्फ सलमान सर के साथ हुआ है सो आई थिंक इट्स स्लाइटली अनफेयर जो हुआ है दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही गलत किया है कानून थैंक यू
अरविंद स्टार्ट पहली बार यू नो डोमेस्टिक जा रहा है फिट्ज़अप एंड एक्चुअली आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि पुष्कर जा रहे हैं और पुष्कर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन मैं कभी गई नहीं थी एंड वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग एट अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग एट वेस्टर्न एंड यू नो बेस्ट चीज़ ये है कि हम घूमने जा रहे हैं फिट होने जा रहे हैं जितने फिट है उससे ज़्यादा फिट होने के लिए जा रहे हैं और दोस्तों के साथ जा रहे हैं सो वॉट कुड बी बेटर राइट सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन मैं बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिटनेस रिलेटेड कुछ भी होता है आई एम रियली थ्रिल्ड एंड प्लस बिकॉज पूजा है एंड अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स आल्सो वुड बी कमिंग अलोंग सो एक्टिविटीज बहुत प्लान्ड आउट है एंड आई रियली गेट एक्साइटेड फॉर स्टफ लाइक दिस मैं योगा करती हूँ दैट इज़ माई फेवरेट ऑल टाइम वर्कआउट बट मैं रनिंग भी करती हूँ कभी कभी मैं किक बॉक्सिंग के लिए चली जाती हूँ आई ट्राई एवरीथिंग बट येस मेरा मेन फोकस तो योगा I'm a runner. For me, I think that comes very easily and naturally because running के लिए all you need to do is your gym clothes and आपके shoes. और चाहे वो बॉम्बे सिटी हो या चाहे वो कोई भी और सिटी हो आप अपनी बिल्डिंग में नीचे भाग सकते हो आप जिम में भाग सकते हो आप गार्डन में भाग सकते हो कहीं पर भी तो दैट्स वन एक्टिविटी रनिंग एंड वॉकिंग आर टू एक्टिविटीज़ दैट डजेंट रिक्वायर एनी मेम्बरशिप एंड कोई भी कर सकता है सो आई थिंक आई बिलीव इन दैट एंड बेसिकली आई बिलीव दैट यू नो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज मस्ट इन योर लाइफ ओके समर है सो किस तरह अपना फिटनेस कैरी ऑन करूं समर है तो फिटनेस किस तरह कैरी ऑन करूं समर है तो गर्मी है बट आई थिंक जब हम एक्टिविटीज करेंगे हमें उतना ध्यान नहीं जाएगा इन चीज़ों पे तो यस वील ट्राई कीपिंग आवर क्लोथिंग लाइट कि ज़्यादा गर्मी ना लगे या आई विल स्टार्ट वेयरिंग कॉटन मोर बट हाँ क्लोथिंग हमें रोक नहीं सकती गर्मी हमें नहीं रोक सॉरी सलमान सर एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दैट मुझे पूरे केस के बारे में पूरी तरह से आइडिया नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूँ वो गलत होगा आई डोंट हैव एनीथिंग टू से आई थिंक आई गो विद जूडिशरी कि मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में जूडिशरी की बात करें तो उन्होंने 20 साल बाद उन्हें सजा सुनाई है वो भी 5 साल की तो आप कुछ कमेंट करना चाहते हो 20 साल बाद ये फैसला आया है नथिंग आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दिस थैंक यू सो मच थैंक यू